तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग में। तो हम बात करेंगे कि हम प्रोग्रामिंग करने के लिए कहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे। देखिए, किसी भी फाइल के लिए आपने किसी भी एक्सेल फाइल में आप डेवलपर टैब लेके आ गए हैं, उस डेवलपर टैब में आपको जो है यहाँ पे जाना है विजुअल बेसिक पे, जिसका शॉर्टकट होता है Alt F11। क्लिक करते ही आपको एक नया विंडो खुल के आता है, और जितने भी फाइल आप ओपन करेंगे सबके यहाँ नेविगेशन होता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, राइट सर? यस। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से ला सकते हैं, ये रहा आपका, सॉरी, इसका शॉर्टकट कंट्रोल R होता है, और ये आपका प्रॉपर्टी बार है, जो नीचे प्रॉपर्टी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी, उनकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो नीचे आती है, ठीक है। बुक 11 में हमें करना है तो बुलेट 11 है, बुक 11 में देखिए आप सीट दिख रहा है जी, जो आपकी बुक 11 है उसमें जितने भी शीट्स है वो शीट्स यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शीट्स ऐड करूंगा तो वहां पे भी लिस्ट में आपको उतने शीट्स दिखेगा वीवीए प्रोग्रामिंग, दिखा सर? जी जी। अब बात आती है कि हम कोड कहाँ करें। देखिए, हम शीट 1 पे डबल क्लिक करके भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग दे सकते हैं, ठीक है, या शीट 2 शीट 3 पे, लेकिन क्या है कि हम इस पे प्रोग्रामिंग नहीं देते। इसका रीजन क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम कोई कोड लिखेंगे वो कोड उसी के साथ सेव होगा, समझे जी, उसी के साथ सेव होगा, ओके, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मान लीजिए मैं यहां पे एक मैक्रो बना दिया यहां पे, और यहाँ पे दीजिए हाय, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूंगा वर्क, लेकिन एक कहाँ पर है, सीट 1 पे। अगर किसी ने सीट 1 को डिलीट कर दिया जी, आपकी प्रोग्रामिंग खत्म गई, प्रोग्रामिंग कट गए, यस। तो इसलिए अब एक पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें दूसरे सीट से या किसी दूसरे फाइल से रेफरेंस देना होता है, वहां पे ये परफॉर्म नहीं करता है, बराबर। तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे कहां पे, वर्कबुक में? नहीं, वर्कबुक में नहीं, वर्कबुक में प्रॉब्लम होती है। हम प्रोग्रामिंग करेंगे मॉड्यूल्स पे, मॉड्यूल आएगा यहां इंसर्ट मॉड्यूल, दिखा जी। ये क्या करेगा, आपकी जो भी प्रोग्रामिंग होगी उस प्रोग्रामिंग को इसके बैकग्राउंड में सेव कर देगा। कहां सेव करेगा? बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में। तो जहां जहां फाइल जाएगी वहां आपके कोड्स भी जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब कुछ भी करने से पहले आपको सब्जेक्ट क्रिएट, सब्जेक्ट में आप पब्लिक सब या सब लिख सकते हैं, पब्लिक सब या सब, सब आप लिख सकते हैं, ओके, ठीक है जी। राइट सर? यस राइट। माइक्रो का जो नाम लिखना है आपको, नाम भी है, ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमें देना है टेस्ट, टेस्ट सही है, टेस्ट अगर मैं टुडे कर दूंगा तो किसी भी माइक्रो नेम के बीच में डैश डॉट इस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर है वो नहीं आएगा, नेम के बीच में, हाँ नेम के बीच में या लास्ट में हुए कहीं भी, तो नेम के बीच में स्पेस भी नहीं आएगा ना सर, किसी भी तरह के स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अंडरस्कोर डाल सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ क्रिएट करेंगे तो वही आपको यहाँ माइक्रो लिस्ट में दिखेगा, ठीक है सर? टेस्ट टुडे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये नाम अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे आप राज 1 इस तरह के 3 अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक नहीं दे सकते,
ठीक है क्यों नहीं दे सकते? जैसे हमने राज वन हमने किया, मान लीजिए कि राज को राज नाम बनता है, आपने राज वन कर दिया, तो यहाँ पे आप राज वन देखेंगे, इस नाम का आपके पास ऑलरेडी रेफरेंस है, तो माइक्रो को आप रन ही नहीं कर पाएंगे। देखिए क्लिक करें ना ऊपर, रन का ऑप्शन नहीं, इसलिए आप ये नहीं देंगे, राइट? ठीक है, हाँ देना होते बीच में अंडरस्कोर लगा दीजिए, बराबर जी। अब बात होता है कि हम पहला वर्ड क्या लिखें, किससे स्टार्ट करें माइक्रो। जैसे मैं बताया कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं तो हमारा मोस्टली नाउन पहले आता है जी, तो यहां भी इसके भी मेन ऑब्जेक्ट कहलाता है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो कितने ऑब्जेक्ट है? तो चार मेन ऑब्जेक्ट है जिससे पूरा माइक्रो वर्क करता है, मतलब कि मोस्टली कोड इन चार से ही स्टार्ट होता है, जैसे कि एप्लीकेशन, वर्क बुक्स, शीट्स एंड मान लीजिए जो आप जो का जिस चीज के लिए कोड लिखना चाहते हैं, अगर वो किसी एप्लीकेशन के सेटिंग को चेंज कर रहा है जी, तो क्या होगा, हमें एप्लीकेशन से स्टार्ट करना है, उसके आगे आप बाकी जो भी करना है, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले डॉट इक्वल टू फॉल्स ईटीसी। अगर आपको जो काम करने वाले हैं, अगर वो किसी वर्कबुक को कर रहा है तो क्या करेंगे, वर्कबुक, वर्कबुक। अगर बात करते हैं शीट्स की, तो किसी पर्टिकुलर शीट पे वर्क करना है तो शीट का इस्तेमाल करें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज जी, किसी रेंज पे काम करना है तो हम रेंज से स्टार्ट करें, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रहेंगे हमारे, ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए ना कि मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, फाइल है इसलिए आएगा वर्क, नया फाइल है इसलिए डायरेक्ट डॉट ऐड ऐड हो जाएगा। मान लीजिए मुझे फाइल को क्लोज करना है, ठीक, वर्क है, वर्क बुक्स डॉट, यहाँ पे डॉट नहीं, तब उसका मुझे कौन सी फाइल क्लोज करनी है उसका नाम देना होगा, अच्छा, डॉट क्लोज, और क्लोज करते समय क्या सेव करना है। अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहिए या डिटेल्स कहिए, एक्शन कहिए या मेंबर कहिए, या मेंबर की डिटेल है, या सिंपल भाषा में वर्ड्स कह सकते हैं कि कहां पे और क्या करना है जी, कहां पे और क्या करना है, ऑब्जेक्ट लोकेशन और आपने फाइल क्लोज करनी है तो मैं बोलूंगा, आप अगर 10 फाइल ओपन है आपको बोलूंगा कि फाइल क्लोज कर लो जी, जवाब आएगा ना कौन सी फाइल सर, यस क्या जी सर, तो सीधे अगर फाइल क्लोज करनी है तो हमें पहले बोलना पड़ेगा कि भाई वर्कबुक में बुक वन इसका एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस एक है, उसको क्लोज करो, क्लोज कर दीजिए, सेव करो। अब क्वेश्चन तो नहीं पूछना है, नहीं, यानी फर्स्ट हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद लोकेशन और फिर एक्शन रहेगा उसका, पहला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिटेल या लोकेशन कहिए, फिर एक्शन या मेंबर कहिए, ओके, ठीक है जी, समझ में हो। ऐसे मान लीजिए आपको एक सीट ऐड करना है तो आप बोलेंगे सीट्स डॉट ऐड, और ऐड में भी होता है कि कहाँ ऐड करना है, छोड़ दीजिएगा तो डिफॉल्ट ऐड कर देगा जो पहले होता है जी, आप ये कहाँ ऐड करना है, किस सीट से पहले और किस सीट के बाद कर दे तो आपका सीट ऐड कर दे, अच्छा, करंट सीट जो होगी उससे पीछे या फिर आगे ऐड कर देगी नई सीट, हाँ मतलब कि जो भी डिफॉल्ट सेटिंग होगा जी, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि एक पट सीट को डिलीट करो तो आप बोलेंगे कौन सी सीट को, तो ब्रैकेट में आपका उस सीट का नाम दे रहा हूँ, क्या करना है, डिलीट करना, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक स्टॉपर आता है, हमने अभी डॉट डिलीट कर दिया या डॉट ऐड कर दिया जी,
डॉट क्लोज किया, ये लिस्ट कहाँ से मिलेगा? उस लिस्ट को एक बार पढ़ ले तो बेटर रहेगा, आपको पता रहेगा भाई क्लोज करने का क्या कोड होता है, डिलीट करने का क्या होता है ना? जी 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 सर। तो इसके लिए आपको कोई बुक वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए अपने स्टूडेंट को बुक जो है शुरुआत में नहीं देता, क्योंकि बुक जो चीजें चाहिए सारे चीजें आपको एक्सेस नहीं है। तो आपको जाना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, जी जी सर, क्लिक कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होगा। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए सर? ठीक है। 2007 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 2010, 2013, 2016 पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है VBA रेफरेंस, VBA एक्सेल रेफरेंस। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट मॉडल। जी। अब ऑब्जेक्ट मॉडल में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, चार ही मेन होते हैं, उसके सब ऑब्जेक्ट है। वर्कशीट दिखा। जी। वर्कशीट्स दिखा। जी। वर्कशीट मतलब कि नए सीट पे होने वाले काम, वर्कशीट्स मतलब कि पर्टिकुलर सीट, लेकिन लिखाता दोनों में सीट्स ही है सर, बस ये कैटेगरी कर रखा है। वर्कबुक एंड वर्कबुक्स, ऐसी रेंज समझे? तो आपने वर्कबुक पे क्लिक किया मैंने, वर्कबुक के यहाँ पे देखिए मेथड एंड प्रॉपर्टीज है, दो दो तरह के होते हैं। क्लिक कीजिए यहाँ पे, सीधे वर्कबुक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ पे वर्कबुक ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे आ जाएगा मेथड इंसर्ट। ठीक है आपको सर? जी जी। ऐड करना, सिकआउट करना, इसके बारे में डिटेल्स क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स देख सकते हो, और साथ में इसका एक एग्जांपल भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप देखिए अभी आप बोलेंगे सर बहुत सारे सबको पढ़ना पड़ेगा, जी नहीं, जानते हो जो आप जानते हो, ठीक है, ठीक है ना, उसको करें। ठीक है। जैसे वर्कशीट को है, अब जो वर्कशीट ऑब्जेक्ट को जानते हो उसी को पढ़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है सर। तो आप रेंज एप्लीकेशन को छोड़ दीजिएगा, रेंज वर्कबुक शीट वर्कशीट वर्कशीट, जितने इसके जितने मेंबर को आप जानते हो कि हाँ इसको नॉर्मल एक्सेल पे कैसे अप्लाई किया जाता है, उसको एक बार स्टडी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, ठीक है सर।